हेलो एंड वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइटेड सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन जो टॉपिक था वो था हमारा क्या कैसे अपने हॉस्पिटल अपने क्लिनिक या अपने ऑप्टिकल को हम इंक्रीज करें, कैसे ओपीडी बनाएं। तो यहाँ तक जैसे कि हमने पार्ट वन में बात की थी कि अच्छे से चेकअप करना है, पेशेंट से अच्छे से कन्वर्सेशन करना है, और जब पेशेंट का हम चेकअप करके मेडिसिन लिखते हैं तो अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर परमानेंट लिख कर देना है या कार्ड देना है। क्या कोई भी प्रॉब्लम हो या मेडिसिन आपको गलत नहीं लेनी है, आप इस पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, तो आपको ये भी करना है। एंड अब हम बात करते हैं तो ये जो मैंने पॉइंट जो बताए थे बहुत मस्ट हैं। आपका बिहेव जो है सबसे ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कोई भी पेशेंट हो अगर डॉक्टर उसको समझाते हैं अच्छे से तो उनका आधा जो दर्द है वो डॉक्टर की बातों से ही ख़त्म हो जाता है। मीन्स आधा ट्रीटमेंट तो डॉक्टर की बातों से ही हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा बिहेव पेशेंट के साथ बिल्कुल नहीं करेगा, पेशेंट और ज़्यादा बीमार हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इसका इफेक्ट आपके क्लिनिक आपके ऑप्टिकल पर पड़ सकता है आपका बिहेव का। तो मेन मस्ट है बिहेव जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगर आप किसी भी पेशेंट को चश्मा दे रहे हैं, तो अगर आप चश्मा दे रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड आप लोग के पास अपने पास रखना है एंड उनको 8 दिन के बाद रिटर्न कॉल करके पूछना है कि आपको चश्मा कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार मुझे दिखा लीजिएगा। तो आपको ये भी करना है। उससे क्या होता है, हम पेशेंट को लगता है भाई ये हॉस्पिटल या ये ऑप्टिकल अच्छा है कि वरना कौन पूछता है। उन्होंने रिटर्न कॉल किया, हमको पूछा कि चश्मा कैसा है, चश्मे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड अगर आपका पेशेंट मेडिसिन लेकर गया, आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अगर आपके आपने पेशेंट को विजिट के लिए टाइम दिया कि इतने टाइम बाद आपको रिटर्न आना है, पेशेंट नहीं आ पाता है, तब आपको एक बार कंसल्ट करना है या आपका कोई भी असिस्टेंट हो किसी से भी आप कॉल करके पूछ लीजिएगा आपको प्रॉब्लम थी कि आपकी प्रॉब्लम सही हो गई, अगर नहीं हुई है आपने दवाई ली है या नहीं ली है। काफ़ी बार ये भी होता है पेशेंट सही हो जाता बट वो रिटर्न नहीं आता क्लिनिक पर। तो एक बार आपको पेशेंट से जानना है क्या वो सही है, अगर सही है तो मेडिसिन को बंद कर दीजिएगा एंड एक बार दिखा दीजिएगा। उसके बाद आप सर्जरी कराते हैं। तो सर्जरी कराने के बाद जो हमारा वीकेंड रहता है फॉलोअप का, तो फॉलोअप के लिए आपको हर वीकेंड फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर सर्जरी होती है हर वीकेंड फॉलोअप के लिए पेशेंट आता है तो जो आपका जिस एरिया में आपका क्लिनिक है हॉस्पिटल है तो वहाँ अगर आप फॉलोअप कराने पेशेंट आएगा तो वो आपके जितने भी एरिया के लोग होंगे वो देखेंगे भाई काला चश्मा लगाकर बंदा आता है बार बार, और भी सारे काफ़ी फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। तो मींस कुछ ना कुछ डॉक्टर अच्छा है या अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, तो उस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट होता है आपके क्लिनिक या आपके ऑप्टिकल पे। तो आपको पेशेंट को वैसे भी फॉलोअप के लिए बुलाना होता है क्योंकि 5 से 6 फॉलोअप रहते हैं पूरे उसमें, उसका पूरे उसके ट्रीटमेंट में 5 से 6 फॉलोअप करने होते हैं हमें कैटरेक्ट सर्जरी के ट्रीटमेंट में। उसका आपको ध्यान रखना है एंड हर फॉलोअप पर पेशेंट को बुलाना है एंड पेशेंट से पूछना है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड तीसरा आपको क्या है, कैंप मस्ट है, आपको कैंपिंग करनी है। और कैंप करने का सबसे बेस्ट जो टाइम है वो है आपका गर्मियों का मौसम, मीन्स अप्रैल से लेकर के और सेप्टेम्बर तक आपको मंथ में 3 से 4 कैंप करने हैं। कैंप से क्या होता है, एक तरह से आपका प्रचार भी होता है एंड जो गर्मी में नहीं कराते सर्जरी, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा सर्जरी होंगी आपका जो हॉस्पिटल है या आपका क्लिनिक है उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मींस अच्छे लेवल पर जाएगा। तो सर्जरी पे आपको मेन फोकस करना है क्योंकि आप सर्जरी कराएंगे तो स्पैक्स वो ऑटोमेटिक बन पाएगा। सर्जरी के बाद स्पैक्स लगाना होता है, मीन चश्मा लगाना होता है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मीन्स आपको मंथ में 2 से 3 क्या है कैंप करने हो अप्रैल से सितंबर तक, क्योंकि अप्रैल से सितंबर ये गर्मी का मौसम होता है ज़्यादातर, तो गर्मी में सर्जरी कम होती है तो उस टाइम आपको कैंप करना है। सपोज़ करिए आप एक गांव में कैंप कर आए हैं, देन वहाँ पे आपका प्रचार हो गया एंड जो भी आपने अपना पैम्पलेट्स वगैरह जो भी दी तो उनको पता चल गया कि हाँ ये लोग हमारे यहाँ कैंप करने आए थे एंड यहाँ पर सर्जरीज भी होती हैं, स्पैक्स भी अवेलेबल, सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो वो आपके पास आएंगे। हालांकि जब नहीं आएंगे जब आप कैंप लगा कर आएंगे, बट जब उनको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है तो वो आपके पास सर्दियों में ज़रूर आएंगे। तो आपको ध्यान रहे मंथ में आपको 2 से 3 कैंप करने, क्योंकि हमारा जो मेन है ओपीडी या हमारा सर्जरी जो है हमारा कैंप से इंक्रीज होता है एंड सर्दियों में वही पेशेंट जो आपने कैंप करके कैटरेक्ट के निकाले हैं वो सर्दियों में आएंगे। एंड जब आप कैंप लगाने जाएंगे तो एक रजिस्टर उनका डाटा रख लीजिएगा
एंड सामने उसमें ऐसा होता है काफ़ी बार कि कैंप लगा कर आ गए एंड जो भी उनका पैम्पलेट्स पर लिख कर दिया है काफ़ी बार, जो नॉर्मली मैंने कैंप में देखा है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर अपना जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो लेकर जाना है, एक रजिस्टर बनाना है एंड उसमें सारे नेम नोट करने हैं, जितने भी पेशेंट आप देख रहे हैं सबके नेम नाम को नोट करना है, उसके आगे उनका विजन लिखना है एंड उनको प्रॉब्लम क्या है वो लिखनी है। उससे क्या होगा, आप इजीली पेशेंट को देख सकते हैं किस पेशेंट को कैटरेट की प्रॉब्लम है, किस पेशेंट को स्पैक्स की प्रॉब्लम है या किस पेशेंट को अदर डिजीज प्रॉब्लम है। अदर डिजीज लाइक उसको स्क्विंट है या फिर उसको टाइरिजियम है या फिर उसको फंडस है, ऐसे आप क्या है इजीली देख सकते हैं पेशेंट में। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो वही जो रजिस्टर है उसके थ्रू आप उनको कॉलिंग करके उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपके आँख में ये प्रॉब्लम है, आप आइएगा एंड आप ऑपरेशन कराइए या फिर आप चश्मा बनाइएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा जो हमें फेस करने को मिलता है एज अ जो क्लिनिक चला रहे हैं खुद का, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कभी पेशेंट को कम दिखाई देता है या फिर पेशेंट के आँख से पानी आता है, खुजली होती है। तो उनको बहुत प्यार से समझाना है कि आप भी आपका फॉलोअप चल रहा है, आपको ये प्रॉब्लम रहेगी, हल्की फुल्की प्रॉब्लम रहती है। एंड अगर किसी पेशेंट के चश्मे में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो काफ़ी बार उसको ये नहीं है, उसको पहले प्रॉब्लम को समझना है एंड उसको देखना है प्रॉपर आईपीडी में तो कोई मिस्टेक नहीं है या उसके सेगमेंट में तो कोई मिस्टेक नहीं है या फिर पेशेंट को विद स्पैक्स एंड विदाउट स्पैक्स कितना दिख रहा है। तो बहुत प्यार से उसको पहले उसका दोबारा से चेकअप करना है। ये नहीं है कि हाँ ठीक है आपका चश्मा अब लो मत लो जाओ ये है वो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से समझना उसकी प्रॉब्लम को, उसको बहुत प्यार से समझाना है क्योंकि आपको एक क्लिनिक है, एक ऑप्टिकल चलाना है, आपको लड़ाई नहीं करनी। क्योंकि अगर वही पेशेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 10 पेशेंट आपके रखोगे। तो कोशिश करना है कि आप हर पेशेंट को सेटिस्फाइड करके भेजें एंड पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस कुछ टिप्स थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए एंड आप इन लोगों को आप इन टॉपिक्स को करके देखिएगा, आपका ओपीडी सर्जरी एंड स्पेक्स आपका ज़रूर इंक्रीज होगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा एंड वीडियो जो भी मैंने टॉपिक जो आपको बताए थे एंड वो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए।